हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SBSB एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम के पार्ट 7 के बारे में। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल SBSB एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं AVR माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। AVR माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है वर्तमान में कई सारे स्टैंडर्ड माइक्रो कंट्रोलर्स हैं जो अपनी क्षमता और उपयुक्त कार्य करने की संभावना के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। और इसमें आगे बताया गया है, इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर 8051 माइक्रो कंट्रोलर, AVR और PIC माइक्रो कंट्रोलर हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक पिक माइक्रो कंट्रोलर का वीडियो नहीं देखा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है मार्केट में कई प्रकार के माइक्रो कंट्रोलर उपलब्ध हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है 8051, AVR और पिक माइक्रो कंट्रोलर। वर्ष 1996 में AVR को एटमल कॉर्पोरेशन द्वारा डेवलप किया गया था। फ्रेंड्स, 1996 में AVR माइक्रो कंट्रोलर को एटमल कॉर्पोरेशन कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। इसका आर्किटेक्चर अल्फ इगल बेगोन और विगार्ड वेलोन द्वारा डेवलप किया गया था, इसलिए इसको AVR माइक्रो कंट्रोलर नाम दिया गया। पहला माइक्रो कंट्रोलर 8958515 AVR आर्किटेक्चर पर आधारित था, लेकिन वर्ष 1997 में बिक्री योग्य बाजार में आने वाला माइक्रो कंट्रोलर 8905120 था। फ्रेंड्स, जो AVR माइक्रो कंट्रोलर है उसका फुल फॉर्म है अल्फ एंड विगार्ड्स रिस्क। और फ्रेंड्स, इनको अल्फ इगल वेगोन और विगार्ड वेलोन ने डेवलप किया था, इसलिए इसका नाम AVR माइक्रो कंट्रोलर है। और फ्रेंड्स, इसमें आगे बताया गया है AVR माइक्रो कंट्रोलर 3 कैटागरीज में आते हैं, कौन कौन सी हैं। पहला है हमारा टिनी AVR। फ्रेंड्स, जो टिनी AVR माइक्रो कंट्रोलर होता है, इसका साइज छोटा होता है, इसमें मेमोरी स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए इसका यूज सिंपल एप्लीकेशन में किया जाता है। सेकंड है हमारा मेगा AVR। जो मेगा AVR माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें 256 KB तक की मेमोरी स्पेस होता है और इसको इनबिल्ट एप्लीकेशन और डिफ़िकल्ट एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। थर्ड है हमारा XMega AVR। जो XMega AVR माइक्रो कंट्रोलर है, इसका उपयोग कंपाउंड एप्लीकेशन में किया जाता है, जिसमें प्रोग्राम मेमोरी और हाई स्पीड की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं 8051 पिक व AVR माइक्रो कंट्रोल में तुलना। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा है 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ये है पिक माइक्रो कंट्रोलर और ये वाला है AVR माइक्रो कंट्रोलर। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर 8-bit कंप्यूटिंग फैमिली का सदस्य होता है, जो इंटेल द्वारा 1981 में डेवलप किया गया था। फ्रेंड्स, जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, उसको इंटेल कंपनी द्वारा 1981 में डेवलप किया गया था। जो पिक माइक्रो कंट्रोलर है, उसको 1993 में जनरल इंस्ट्रूमेंट्स माइक्रो कंट्रोलर द्वारा विकसित किया गया था। अब बात कर लेते हैं AVR के बारे में। 1996 में AVR को एटमल कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया था। अब बात कर लेते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। इसमें 128 बाइट्स रैम, 4 KB रोम, 1 सीरियल पोर्ट, 2 टाइमर्स और 4 पोर्ट होते हैं। जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, उसमें 128 बाइट्स रैंडम एक्सेस मेमोरी और 4 KB रीड ओनली मेमोरी, 1 सीरियल पोर्ट, 2 टाइमर्स और 4 पोर्ट होते हैं। अब बात कर लेते हैं पिक माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। इसमें रैम, रोम, CPU, टाइमर, काउंटर, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर आदि होते हैं। और AVR माइक्रो कंट्रोलर में EEPROM, CPU, फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी इंटरप्ट होते हैं। अब बात कर लेते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। यह मुख्य रूप से एनर्जी मैनेजमेंट, टच स्क्रीन, ऑटोमोबाइल्स और मेडिकल डिवाइसेज में प्रयुक्त होते हैं। पिक को ऑडियो एसेसरीज, मोबाइल फ़ोन में यूज किया जाता है। AVR को सिंपल या कंपाउंड एप्लीकेशन दोनों में यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी 8051 पिक और AVR माइक्रो कंट्रोलर की तुलना।
तो हम इसमें आगे बात कर लेते हैं AVR माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर, जो AVR माइक्रो कंट्रोलर है उसके आर्किटेक्चर के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है AVR हार्वर्ड आर्किटेक्चर का उपयोग करता है, इसलिए इसमें डाटा व प्रोग्राम के लिए अलग अलग बसेस और मेमोरीज होती हैं। AVR माइक्रो कंट्रोलर है वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर पर आधारित है, इसीलिए इसमें डाटा और प्रोग्राम के लिए अलग अलग बसेज और मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। प्रोग्राम मेमोरी में इंस्ट्रक्शन सिंगल लेवल पाइपलाइनिंग के साथ दी जाते हैं। जो प्रोग्राम मेमोरी होती है उसमें जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सिंगल लेवल पाइपलाइनिंग के साथ दिए जाते हैं। जब एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है तब तक उसके आगे के इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम मेमोरी में प्रीफेच्ड कर लिए जाते हैं। इस प्रकार के प्रत्येक क्लॉक साइकिल में AVR लगभग 1 MIPS मेगाहर्ट्ज पर चलता है। फ्रेंड्स, जो MIPS है उसका फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं AVR माइक्रो कंट्रोल के आर्किटेक्चर के डायग्राम के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो डायग्राम है वो हमारा है AVR माइक्रो कंट्रोल आर्किटेक्चर। फ्रेंड्स, इसमें ये है फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी, ये प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, कंट्रोल लाइंस, स्टेटस एंड कंट्रोल, ALU, डाटा SRM, EEPROM, इनपुट आउटपुट लाइंस, इंटरप्ट यूनिट, SPI यूनिट। फ्रेंड, ये सभी इसमें जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब के बारे में पहले हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं CPU के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है AVR माइक्रो कंट्रोल का CPU कंप्यूटर के जैसा ही है। CPU का मुख्य उद्देश्य सही एवं सटीक प्रोग्राम परफॉर्मेंस का पुष्टि करना है, इसलिए CPU को कैलकुलेशन, मेमोरी, कंट्रोलिंग ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस और इंटरप्ट के लिए सक्षम होना चाहिए। ATMEL के 8 बिट और 32 बिट AVR के CPU हार्वर्ड आर्किटेक्चर पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा AVR माइक्रो कंट्रोल का CPU। अब बात कर लेते हैं फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी के बारे में। तो इसमें बताया गया है AVR माइक्रो कंट्रोल के प्रोग्राम नॉन वोलेटाइल प्रोग्रामेबल फ्लैश मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं, जो आपके SD कार्ड या MP3 प्लेयर में फ्लैश स्टोरेज के समान है। फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी को 2 इकाइयों में विभाजित किया जाता है। फ्रेंड्स, जो फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहली इकाई एप्लीकेशन फ्लैश सेक्शन। फ्रेंड्स, जो एप्लीकेशन फ्लैश सेक्शन है उसका प्रयोग AVR माइक्रो कंट्रोल में प्रोग्राम स्टोर करने के लिए किया जाता है। और दूसरी इकाई है बूट फ्लैश सेक्शन, इसका प्रयोग डिवाइस को संचालित करने के लिए किया जाता है। अब बात कर लेते हैं SRM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। इसका उपयोग रन टाइम मीडियम में डाटा आपूर्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह डिवाइस पैरामीटर और रन टाइम पर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जैसे डाटा को स्टोर करने के लिए एक अच्छा स्पेस माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। यह मॉड्यूल AVR माइक्रो कंट्रोल और बाहरी दुनिया के साथ संचार करता है। नेक्स्ट है हमारा एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। इसमें बताया गया है एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का उपयोग इनपुट या आउटपुट एनालॉग इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस मॉड्यूल में एनालॉग कंपैरेटर्स और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्ट यूनिट। इसमें बताया गया है इंटरप्ट AVR माइक्रो कंट्रोलर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ में मैनेज करने के लिए सक्षम बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइमर्स। अधिकांश AVR माइक्रो कंट्रोलर को कम से कम टाइमर या काउंटर मॉड्यूल होता है, जो माइक्रो कंट्रोलर में समय संचालन के साथ उपयोग किया जाता है। इसमें टाइम स्टैम्पिंग, इवेंट काउंटिंग, मेजरिंग इंटरवल्स शामिल हैं। और नेक्स्ट है हमारा वॉच डॉग। AVR माइक्रो कंट्रोल में एक इंटरनल वॉच डॉग टाइमर
होता है जो 128 किलो हर्ट्ज क्लॉक सोर्स पर माइक्रो कंट्रोल को रिसेट करने या इंटरप्ट डालने के लिए यूज किया जाता है। और फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा USART, इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। इसका उपयोग एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ सीरियल कम्युनिकेशन के साथ यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे AVR माइक्रो कंट्रोल के आर्किटेक्चर पार्ट की डिटेल। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारा माइक्रो कंट्रोल एंड एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट 7 कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।